एवरीवन, वेलकम टू सिंपली लजीज। आज मैं शेयर करने वाली हूँ खीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। अगर आप इस तरह से खीर बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 कप राइस। ये मैंने 1/2 कप चावल लिए, चावल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम खीर में। और इसे हमने अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है 1/2 घंटे के लिए। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे, जो भी आपको पसंद हो। और यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है, जो कि फुल क्रीम मिल्क है। और इसे हमें बॉईल करना है। इसे हम बॉईल करेंगे जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता है। थोड़ा सा इसे 20% तक रिड्यूस कर लेंगे हम। और इधर हम रेडी करेंगे अपने चावल। तो यहाँ पे हमने कुकर लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा घी ऐड किया है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए चावल। ये वाला स्टेप करने से खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये सारे राइस हमने इसमें जो भिगो के रखे थे उसको हमने इसमें ऐड किया। और अब थोड़ा सा ऐसे थोड़ी देर के लिए बस सॉटे करेंगे। और उसके बाद हमने ऐड कर दिया ये 2 कप पानी। अब कुकर को बंद करके हमें इसे 3 सीटी आने तक कुक करना है। और यहाँ पे दूध अच्छे से गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। अब चावल भी अच्छे से पक चुके हैं, बस हमको चावल को अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं गल चुके हैं। और अब ये दूध तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो ये दूध जो है ये चावलों में ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अपने ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन के ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। 1 मिनट के लिए रोस्ट करें, बहुत ही थोड़ा सा रोस्ट करें। और अब इसमें हमने ये दूध ऐड कर दिया था। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ले सकते हैं, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। अब इसे हम धीरे धीरे पकने देंगे लो फ्लेम पर, जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाती। बस यही वाली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। धीरे धीरे पकने के बाद में ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से गाढ़ापन आ चुका है इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये इलायची और ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे हमने छोटा चम्मच इलायची का यूज़ किया है, 1/2 चम्मच क्रश्ड करके इसमें ऐड करेंगे। और अब ये खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे हम सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना अच्छा कलर आया है। और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी खीर की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.